बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरब से लाई हूँ आपके साथ मैं, आपको भाई एक वीडियो यानी कि आपके साथ कोई पिक्चर वगैरह शेयर कर दूंगा मैं। यहाँ पर एक बहुत ही अफसोसनाक वाक़या पेश आया जी जद्दा से, जो कि आपको पता है जद्दा में बहुत ज़्यादा तादाद में पाकिस्तानी मुकीम हैं और सराइकी भाई मेरे बहुत ज़्यादा तादाद में वहाँ पर मुकीम हैं। तो एक मैं छोटा सा किस्सा भी आपको सुना दूंगा जो कि यकीनन आपके भाई आपके लिए फायदेमंद होगा, यानी कि आपके काम आएगा, आपको नुकसान से बचाएगा, जो मैंने अपनी आंखों से देखा था। बहरहाल बात क्या है जी, हम इस वीडियो के मतलब इस पिक्चर के मतलब पहले बात कर लेते हैं, उसके बाद आपको मैं वो किस्सा भी सुना देता हूँ जो मैंने अपनी आंखों से लाइव देखा था। ये जद्दा में जी, यहाँ पर आपको मैं उसके मतलब कुछ पिक्चर आपके साथ शेयर करूंगा। वीडियो मेरे पास मौजूद है, मैं वीडियो आपके साथ भाई नहीं शेयर कर सकता, YouTube इसकी भाई हमें इजाजत ही नहीं देता है ऐसी वीडियोस सरेआम शेयर करने की। तो इसीलिए मैं आपके साथ माजरत ख्वाह हूँ, सिर्फ पिक्चर आपको दिखाऊंगा मैं। तो भाई बात यह है कि जद्दा में ये लड़ाई हुई है पाकिस्तानियों की आपस में, किसी सऊदी किसी यमनी के साथ नहीं लड़े हैं, खुद आपस में ही भाई झगड़ पड़े हैं और डंडों से और मुक्कों से एक दूसरे की भाई इन लोगों ने खूब खातर तवाजा की है, सर फोड़ दिए हैं, ब्लड हुआ है इसमें एक दूसरे का और ये लड़ाई जारी रही है जी गालबन 2-3 मिनट। मुकम्मल वीडियो बनाई है किसी बंदे ने तो सोशल मीडिया के ऊपर लगी हुई है। अभी आगे होने के वाला है मैं आपको तफसील बता देता हूँ भाई थोड़ी। अभी मैंने देखी, मैंने आपके साथ यहाँ पर कुछ पिक्चर उसके मतलब शेयर की। हुआ क्या इस वीडियो के आखिर में, जो काफ़ी हैरानकुन मुझे चीज़ लगी वो अभी मैं इस वीडियो के आखिर में जो हुआ आपको बता देता हूँ मैं। अभी भाई इन तमाम बंदों को जिनकी वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर लग चुकी है, इनको जल्द ही आज ही या कल या रात को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मैं आपके साथ वो वीडियो भी इनकी तफसील के साथ शेयर करूंगा, कभी इनको फाइन वगैरह या जेल कितनी होगी क्या सूरत हाल है। लेकिन अभी इन्हें भाई इनकी वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर लग चुकी है, इन्हें बहुत जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और जो बात मैं आपको खुद से बताना चाहता था, मैं एक दफा खुद से भाई किसी मामले की सूरत में जद्दा शमेसी और सॉरी जद्दा बोल रहा हूँ यार, मक्का से जद्दा आते हुए रस्ते में जो जेल आती है जी शमेसी जेल ही गालबन उसे बोलते हैं चेक पॉइंट के साथ, तो मैं उस जेल में एक रात गुजार चुका हूँ, चेक पॉइंट के ऊपर गिरफ्तार हुआ था। हालांकि कोई मसला भी नहीं था, सुबह 8 बजे मुझे छोड़ दिया गया था खुद ब खुद। बहरहाल वहां पर दो भाई ऐसे ही सराइकी आए थे, आपस में झगड़ा हुआ था, एक का सर फट गया था, दूसरे का भाई यहाँ से खूब ब्लड निकल रहा था, पट्टी वगैरह की हुई थी, लेकिन जेल में उन लोगों ने रात सारी उनको बैठाए रखा। सुबह उन दोनों के कफील आए, आपस में सुलह करवाई, उनकी आपस में जफियाँ डलवाई, फिर उनको लेकर गए, वरना वो भाई जेल में ही सड़ते रहते। और ये जो अभी मैंने आपको इस वीडियो का एंड मैंने बोला था वो आपको यहाँ पर दिखा, तो मैं आपको पिक्चर दिखा रहा हूँ। हुआ क्या इस वीडियो के आखिर में है, जो देखने को हमें बात मिली कि रूम के अंदर दो लड़के बैठे हुए हैं, तीसरे ने दरवाजा खोला है, वो जाहिर सी बात है इनके साथ जिसने झगड़ा किया वही होगा, उसने अंदर पानी फेंकना शुरू कर दिया। मैंने बोला शायद ये पानी फेंक रहा है अंदर रूम में इनके, तो जब मैंने उस टाइम मुझे भी पता लगा जब वो भाई एक उसकी तरफ लपकाया तो उसने आगे से पता नहीं लेटर फेंक दिया क्या, आग लग गया रूम में, देख लें आप। ये काफी हैरानकुन मुझे लगा है, इसका जो लास्ट वाला सीन था, जो लड़का उसकी तरफ लपका था वो भी आग की लपेट में आया, जो अंदर बैठा हुआ था वो भी आग की लपेट में आया है, तो मामला काफी सीरियस रहा है। तो इसके मुतालिक अभी इनको अभी तक गिरफ्तार कर लिया गया हो या जैसे ही यानी कि इनको गिरफ्तार किया जाएगा, मैं आपके साथ वो वीडियो भी मुकम्मल तफसील से शेयर कर दूंगा।